चुप हो जाओ मेरी बच्चियों, अब भगवान को यही मंजूर था। आज से मैं ही तुम्हारा पापा हूँ और मैं ही तुम्हारी माँ। ये कहानी है रागिनी और शिवानी की। दोनों सगी बहनी थी जो अपने पापा कमल और माँ निशा के साथ खुशी खुशी रहती थी। पर एक दिन अचानक घर के किचन में आग लग गई, जिसमें जलकर निशा की मौत हो गई। दोनों बेटियों के सिर से माँ का साया उठ चुका था और बीतते वक्त के साथ दोनों बच्चियों के मन में उनकी माँ निशा की याद और भी गहरी होती गई। और फिर करीब एक साल बाद, अरे तुम दोनों अब तक ऐसी ही बैठी हो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तैयार क्यों होना है पापा जी, हम कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? हाँ, भूल गई क्या, दिवाली आ रही है। तुम दोनों को दिवाली का बहुत इंतजार रहता था ना, चलो तुम दोनों को नए कपड़े दिलवा लाता हूँ। नहीं पापा, हमें कहीं नहीं जाना। क्यों, क्यों नहीं जाना? पापा, हमें माँ के बिना दिवाली नहीं मनानी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, माँ नहीं है तो क्या हुआ, पापा तो है ना, चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। पर माँ के बिना हम दिवाली कैसे मनाएंगे पापा? मैं जानता हूँ मेरी बच्चियों कि तुम भी निशा को बहुत याद करते हो, पर उसके जाने के बाद भी हमें जिंदगी तो जीनी होगी ना। तो हम जी तो रहे हैं ना पापा? ऐसे देखो, निशा जहाँ भी होगी वो हमें देख रही होगी, और वो भी यही चाहती होगी कि हम दिवाली मनाएं हमेशा की तरह। और उसे कितना दुख पहुंचेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम लोग उसकी याद में दिवाली नहीं मना रहे, जबकि तुम दोनों को तो दिवाली कितनी पसंद है। पर पापा, बस अब और कुछ नहीं, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम तीनों साथ में चलेंगे और तुम्हें जो ड्रेस अच्छी लगेगी मैं तुम्हें दिलाऊंगा, ठीक है? बाजार में कमल ने पूरी कोशिश की कि उसकी दोनों बेटियां खूब एंजॉय करें। वो चाहता था कि धीरे धीरे ही सही, पर वो दोनों फिर से पहले जैसी हो जाएं। उस दिन शिवानी और रागिनी ने खूब सारी चाट पकौड़ी खाई और अपने लिए सुंदर सुंदर कपड़े भी लिए। फिर शाम को तीनों हंसते खिलखिलाते अपने घर वापस लौटने लगे। कमल के पड़ोसियों को उन्हें हंसता खिलखिलाता देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। देख रही हो सरला, अभी निशा को गए एक साल ही हुआ है और शॉपिंग भी शुरू हो गई इनकी तो। हाँ देखो तो सही, तीनों कैसे हंसते हंसते आ रहे, जैसे निशा के जाने का कोई दुखी ना हो। सच में घोर कलयुग है भैया। और देखो तो सही, लगता है दिवाली मनाने की तैयारी हो रही है, एक साल भी नहीं रुके ये तो। अब शगुन होगा इनके यहाँ, देखना तुम, भगवान ही इन्हें सजा देंगे। कुछ दिन बाद दिवाली आ गई। चुप हो जा शिवानी, रो मत। हाँ रागिनी, भले ही निशा हमें छोड़कर चली गई हो, पर वो हमेशा हमारे साथ है, यहीं कहीं। मम्मी कहाँ है पापा? आओ हम बाहर चलकर अनार जलाते हैं। शिवानी तुम्हें अनार जलाना पसंद है ना? हाँ जी पापा, मैं अंदर से फुलझड़ी का पैकेट ले आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना वरना मैं और रागिनी सारे अनार जला देंगे। हाँ नहीं, मेरे लिए रुकना, मैं बस अभी आई। रागिनी और कमल गली में अनार जलाने चले गए और तभी एक उड़ता हुआ रॉकेट कमल के घर के दरवाजे पर लगे पर्दे से टकराया, जिससे पर्दे में आग लग गई और देखते ही देखते पूरा कमरा आग की लपटों से घिर गया। आग देखते ही शिवानी अंदर से चिल्लाई, पापा पापा बचाओ, आग आग। शिवानी की चीख सुनकर कमल और रागिनी के होश उड़ गए। कमल जोर से चिल्लाया, तुम घबराओ मत मेरी बच्ची, मैं आ रहा हूँ। जैसे ही कमल कमरे की तरफ भागा, तभी आग में पूरी तरह से जल रहा वो पर्दा कमल की तरफ उड़कर आया, जिसे देखते ही कमल अचानक रुक गया। देखा, मैंने कहा था ना कि कोई अपशगुन जरूर होगा, देखो पहले निशा गई और अब वो बच्ची आग की चपेट में आ गई। हे भगवान, अब क्या होगा, कैसे बचेगी वो? तभी अचानक आसमान में बिजली कड़की और बहुत तेज बारिश होने लगी। बारिश इतनी तेज आई कि कुछ ही देर में सारी आग बुझ गई। आग बुझते ही शिवानी कमरे से खुद चलकर बाहर आई। चौंकाने वाली बात ये थी कि भयंकर आग में इतनी देर रहने के बावजूद शिवानी को एक खरोंच तक नहीं आई थी, वो पूरी तरह से ठीक थी। शिवानी बेटा, तुम ठीक तो हो? हाँ पापा, मम्मी आई थी मुझे बचाने, आपने सही कहा था, वो कहीं नहीं गई, वो यही है हमारे साथ। शिवानी की बात सुनकर कमल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगा। साथ ही उसकी नजरें हर तरफ निशा को ही ढूंढ रही थी, जो फिलहाल उसे कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके होने का एहसास कमल को भी था।
दिवाली आने वाली थी, लोग उसकी तैयारियों में जुटे हुए थे। कोई पटाखे खरीद रहा था तो कोई दिए, लेकिन उजाले के इस त्योहार के आने के पहले श्याम जी के जीवन में घनघोर अंधेरा छा गया था। अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर अपनी पत्नी रेखा के साथ श्याम जी असहाय से खड़े थे। उनकी इकलौती छोटी सी बिटिया राधा अस्पताल के बिस्तर पर लेटी है। वो हर दिन अस्पताल आते और अपनी बिटिया को तिल तिल मरता देखते और कुछ नहीं कर पाते। आज भी जब वो अस्पताल में अपनी पत्नी के साथ आईसीयू के शीशे के बाहर खड़े होकर अपनी बिटिया को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब था। उनकी बेटी भी उनकी तरफ टुकुर टुकुर देखे जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। इतना असहाय, इतना असहाय मैंने कभी महसूस नहीं किया रेखा। मेरी नन्ही सी जान मौत से लड़ रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। कुछ मत कहिए जी, कुछ मत कहिए, भगवान ऐसी तकलीफ किसी को न दे। श्याम जी जमालपुर गांव के पोस्ट ऑफिस में डाकिया हैं। हर दिन अपने झोले में खुशियां और गम लेकर निकल पड़ते हैं अपनी साइकिल से। पूरे गांव में उनकी बहुत ही इज्जत है। जयप्रकाश जी, ओ जयप्रकाश जी। अरे श्याम जी, आप आजकल आए हैं अपने झोले में हमारे लिए। श्याम जी अपने हाथ में पकड़े लिफाफे को देखते हुए कहते हैं कि अब रेलवे की ओर से कोई चिट्ठी आई है जयप्रकाश जी। वो ये बातें कर ही रहे थे कि जयप्रकाश जी का बेटा नंदलाल वहाँ गया। उसने उन दोनों की बातचीत सुन ली थी। उसने श्याम जी के हाथों से लिफाफा लिया और उसे पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर चमक आ गई। बाबूजी, दिल्ली मेट्रो में मेरी नौकरी फाइनल हो गई है, इसी महीने ज्वाइन करना है मुझे। ये सुनकर जयप्रकाश और श्याम जी बहुत खुश होते हैं। जयप्रकाश जी श्याम जी को रुकने के लिए कहते हैं ताकि वो उन्हें मिठाई खिला सके। अरे नहीं जयप्रकाश जी, आज नहीं, फिर किसी और दिन, अभी बहुत काम है, बहुत जगह चिट्ठियां डालनी है। ये कहकर श्याम जी अपनी साइकिल पर सवार होकर किसी दूसरे पते की ओर निकल गए। श्याम जी अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करते और हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती, लेकिन पिछले कई दिनों से श्याम जी बहुत परेशान हैं। वो अपनी परेशानी लोगों में जाहिर नहीं होने देते, लेकिन हर बार उन्हें डॉक्टर की वो बात याद आती है जो कुछ दिनों पहले डॉक्टर ने उनसे कही थी, और वही सोचकर उनका दिल बैठ जाता है। कोई तो उपाय होगा डॉक्टर साहब। देखिए श्याम जी, मैंने कहा ना, ये एक ऐसी बीमारी है जो लाखों में से किसी एक को होती है। उन लाखों लोगों में से भगवान को मेरी बेटी ही मिली। मेरी मासूम बिटिया ने क्या बिगाड़ा है किसी का। आप धीरज रखिए और सच्चाई का सामना करिए। वैसे मैंने कहा ना, ये बीमारी लाइलाज नहीं है। बड़े अस्पताल में ऑपरेशन के बाद ये बीमारी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। उसमें पैसे कितने खर्च होंगे? 50 लाख रुपए। श्याम जी ने जैसे ही ये सुना उनके ऊपर बिजली सिकर गई। राधा उनकी इकलौती बेटी थी। बड़े ही लाड प्यार से वो और उनकी पत्नी मिलकर उसे पाल रहे थे। राधा पढ़ने लिखने में होशियार तो थी ही, वो समझदार भी बहुत थी। हालांकि श्याम जी और उनकी पत्नी रेखा ने राधा को उसकी बीमारी के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन उसे अंदाजा लग गया था कि उसे कोई गंभीर बीमारी हो गई है, क्योंकि ना तो वो अब स्कूल जाती थी और ना ही खेलने। सारा दिन वो अस्पताल के बिस्तर पर ही लेटी रहती थी। एक दिन उसने श्याम जी से कहा कि पिताजी, मैं कब खेलने जाऊंगी, कब स्कूल जाऊंगी, कब बाहर घूमने जाऊंगी? पूरा दिन अस्पताल के बिस्तर पर सोए रहना मुझे पसंद नहीं है। अरे बहुत जल्द बाहर घूमने जाओगे मेरी बच्ची, मैं, तुम और माँ तीनों जाएंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? आप सच बोल रहे हैं ना पिताजी? और क्या पिताजी, मैं मर तो नहीं जाऊंगी ना, क्योंकि मैंने माँ को डॉक्टर साहब से बातचीत के बाद छिप छिप कर रोते देखा है। अरे ऐसी बातें भूलकर भी मुंह से नहीं निकालते बेटा, तुम्हारी तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़े दिनों में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। श्याम जी ने राधा को कह तो दिया, लेकिन उन्हें पता था कि वो कैसे दर्दनाक हकीकत से गुजर रहे थे। 50 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम थी जिसका इंतजाम करना श्याम जी जैसे व्यक्ति के लिए लगभग असंभव था। वे इसी चिंता में गले जा रहे थे। एक दिन की बात है, श्याम जी और उनकी पत्नी रेखा बातें कर रहे थे। हम दोनों अगर खुद को भी बेच दें तो भी 50 लाख रुपए नहीं ला पाएंगे, लेकिन बिना पैसों के कैसे हमारी बिटिया ठीक होगी? भगवान ने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा ना जी। क्या खाक सोचा है, कभी कभी तो लगता है कि भगवान है ही नहीं। अगर है तो हम जैसे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है? ये हमारी परीक्षा का समय है, भगवान तो है ही, बस वो हमारे धैर्य की आजमाइश करते हैं। ये कैसी परीक्षा, ये कैसी आजमाइश? अगर कोई बीमारी देनी थी तो मुझे दे देते, मेरी नन्ही सी जान से उनकी क्या दुश्मनी थी। रेखा जानती थी कि उसके पति अभी बहुत परेशान है, इसीलिए वो चुप रही। लेकिन इस बीच श्याम जी की चिंता का असर उनके काम पर दिखना शुरू हो गया। अरे
आपको हो क्या गया है श्याम जी? पिछले हफ्ते भी आपने रंजन भैया की चिट्ठी मेरे पते पर डाल दी और आज किशोर जी के मनी ऑर्डर उनके पते पर देने की जगह मुझे दे रहे हैं। श्याम जी ने उस औरत की बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। इतने सालों से वो चिट्ठी बांट रहे थे लेकिन आज तक उनसे कोई गलती नहीं हुई थी। उन्होंने उस औरत से माफी मांगी और उसे सही पते पर पहुंचाया। जब वो उसे पहुंचाकर वहां से अपनी साइकिल पर आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक लॉटरी के टिकट बेचने वाले की दुकान दिखी। दुकानदार ने एक बहुत बड़ा सा बैनर अपनी दुकान के बाहर लगा रखा था और जोर जोर से चिल्ला भी रहा था, लॉटरी का टिकट ले लो, लॉटरी का टिकट ले लो, इस दिवाली लक्ष्मी माता खुद आपके द्वार पर आने को हैं तैयार, तो देर क्यों कर रहे हो मेरे यार, लॉटरी का टिकट खरीदो और पहले इनाम में 1 करोड़ पाओ, और पहला इनाम ना भी निकला तो दूसरा इनाम 50 लाख का है, तो समय मत गवाओ, सिर्फ 300 रुपए खर्च, इस महीने की 27 तारीख को माला माल हो जाओ। जी हाँ, 27 को ही निकलेगा इस लॉटरी का बम्पर इनाम। श्याम जी उस दुकानदार की बातों को बहुत देर तक गौर से सुनते रहे, फिर वो उसके पास गए। ये लॉटरी सच में किसी की लगती है क्या? हाँ लगती है ना, क्यों नहीं लगती है? किसकी लगती है? किस्मत वालों की। किस्मत वाला? वो तो मैं नहीं हूँ, अगर होता तो क्या मेरी बेटी के साथ ये सब होता? क्या हो गया चचा, किन ख्यालों में खो गए? ख्यालों वाला पछताता है, टिकट लेने वाला माला माल हो जाता है। श्याम जी ने दुकानदार की बात का कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उन्होंने टिकट खरीद लिया और अपनी साइकिल पर अस्पताल पहुंच गए। आज आपने बहुत देर कर दी आने में, कहाँ रह गए थे? श्याम जी ने अपनी पत्नी को लॉटरी के टिकट के बारे में बताया। क्या कहती हो तुम, मेरी लॉटरी लगेगी ना, मेरी बच्ची के इलाज के पैसे मिल जाएंगे ना? मैं भी तो यही चाहती हूँ लेकिन किसी का भाग्य खुलना या खराब होना ईश्वर के हाथों में होता है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता और मेरे सामने ईश्वर का नाम मत लो, उसने बहुत दुख दिए हैं मुझे। ईश्वर दुख नहीं देता जी, ये तो हमारे कर्म होते हैं जिसका फल हमें मिलता है। सही कहती हो तुम, मैंने और तुमने बहुत पाप किए और शायद मेरी नन्ही सी बेटी ने भी, तभी तो वो बेचारी दर्द में पड़ी है। आप नाराज ना हो, कर्म पिछले जन्म के भी तो होते हैं। श्याम जी ने अपनी पत्नी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिन और बीते, आज 27 तारीख थी। सुबह से ही श्याम जी का मन बहुत घबरा रहा था। उन्होंने सुबह सुबह एक बुरा सपना भी देख लिया था जिससे उनका मन आशंकाओं से भर गया था। उस दिन उन्होंने डाकघर से छुट्टी कर ली और अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचते ही उनकी आशंकाएं सही साबित हुई। श्याम जी, हम आपको किसी गलतफहमी में नहीं रखना चाहते, आपकी बेटी राधा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली जा रही है, कब क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए उसे जल्द से जल्द बड़े अस्पताल ले जाने और उसके ऑपरेशन की तैयारी करिए। श्याम जी ने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। आज उसकी हिम्मत भी जवाब दे गई। पैसे कितने जरूरी है ना जी, पैसे हो तो आदमी जिंदा रह सकता है और पैसे ना हो तो आदमी की सांसें चली जाती है। हम धीरे धीरे ये जंग हार रहे हैं रेखा, हार रहे हैं। वे दोनों बात कर रहे थे कि तभी अस्पताल में जो टीवी लगी हुई थी उसके स्क्रीन पर एक एंकर आता है। दिवाली की लॉटरी के बम्पर इनाम की आज घोषणा हो गई है, अगर आपने टिकट लिया है तो टीवी स्क्रीन पर आ रहे इन नंबरों से अपने टिकट का नंबर मैच कर लें। 1 करोड़ के इनाम के लिए नंबर है 7421999 और 50 लाख के इनाम के लिए नंबर है 4570-4459। श्याम और रेखा की नज़र अब तक टीवी स्क्रीन पर नहीं गई थी लेकिन अचानक श्याम जी की नज़र टीवी स्क्रीन पर गई। स्क्रीन पर आ रहे नंबर को देखकर रेखा, रेखा ये तो मेरी लॉटरी का नंबर है, मुझे 1 करोड़ का इनाम मिला है, 1 करोड़ का इनाम मिला है। आपको कैसे पता कि वो आपका नंबर है, आपके पास तो टिकट भी नहीं है। मुझे टिकट का नंबर याद है रेखा, याद है, ये देखो ये रहा टिकट और ये रहा मेरा नंबर 7421999। श्याम जी की लॉटरी निकल गई थी, उनके जीवन की सबसे बड़ी टेंशन दूर हो गई थी। लॉटरी के पैसे से उन्होंने अपनी बेटी राधा का इलाज करवाया, वो बिल्कुल ठीक हो गई। उन्होंने बाकी बचे 50 लाख रुपए अस्पताल में ही दान कर दिए ताकि कल को किसी और राधा की जान बचाई जा सके। कल तक जिस घर को अंधेरा निकलने वाला था वहाँ तेज प्रकाश था। दोस्तों, उम्मीद का दामन कभी न छोड़ें। ईश्वर कैसे आपकी मदद करेगा ये कोई नहीं जानता। हैप्पी दिवाली सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।